हेलो दोस्त, मैं हूँ रश्मि। आपका हमारे चैनल उमंग कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं 2 कटोरी मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कटोरी मैदे को मैंने चाल लिया है, 1 कटोरी और ले रही हूँ। लगभग आधा केजी है ये, इसको चाल लेते हैं। सानने के लिए मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन भी डाल रही हूँ। नमक स्वादानुसार। इसमें मैं थोड़ा रिफाइंड तेल का मोम डालूंगी। यहाँ पर मैं 70 ग्राम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। को इसमें बढ़िया से मिला रहे ले रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर इसको बढ़िया सा मिलाऊंगी इस तरीके से। ये मेरा मैदा इस तरीके का हो गया अभी से, और बढ़िया से सान लिया। हाँ, मेरा मैदा हो गया। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल के 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दे रही हूँ। इसको मैं ढककर ऐसे 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैं मठरी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने इसको बड़ी थाली पर बढ़िया से बेल ले रही हूँ। पूरी थाली में मैं इसको बढ़ा लूँगी, फिर इसको मैं काटूंगी। ये मैंने इसको पूरा बेल लिया है। अब इसको मैं कट करूंगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं पूरा कट कर लूंगी। इसको मठरी और नमक पारा दो नाम से जाना जाता है। अब इधर से मैंने काट लिया है, इसको इस साइड से भी काट लेती हूँ। जैसे छोटा बड़ा आपको पसंद हो, आप अपने हिसाब से इसकी साइज रख सकती हैं। मैं इस तरीके से इसको काट रही हूँ। अब ये मेरा कट गया है। अब इसको मैं प्लेट में या थाली में निकाल ले रही हूँ इस तरीके से करके। इस तरीके से चक्कू की सहायता से मुझे पूरा निकाल लेना है। ये मेरी मठरी की डिजाइन कट कर तैयार हो गई है। अब इसको मैं तेल में छानूंगी। ये कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ मठरी छानने के लिए। अब तेल गरम हो जाएगा तब फिर मैं मठरी डालूंगी इसमें। ये तेल हो गया है, अब इसमें मैं मठरी डाल रही हूँ। मैं धीमी आंच पर ही पकाऊंगी। इसको मुझे न बहुत तेज न बहुत धीमा करना, मीडियम आंच में अब कर दे रही हूँ। इसको मुझे ऐसे चलाते रहना है ताकि सारे साइड में खूब बढ़िया से सारे साइड में बढ़िया से पक जाए। ये देखिए मेरी मठरी हल्की हल्की लाल हो गई है। अभी थोड़ा इसे और पकाना है। ये मेरी मठरी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये मेरा मठरी बनकर तैयार हो गया है। एकदम लाल कलर हो गई है करारी मठरी। अब इसको हम निकालने की तैयारी करते हैं। मठरी को हम प्लेट में निकाल रहे हैं।